हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आई हूँ मार्केट। चांद रात हो और लास्ट मोमेंट पे शॉपिंग ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हम आए हैं मार्केट। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि निज़ामाबाद में चांद रात पर किस तरह का माहौल होता है। अभी रात के 11:30 बजे हैं और हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मार्केट, और बहुत सारी नई नई दुकानें भी लगी हैं। अच्छी चढ़ती, मेरी मेहंदी जाती नहीं है। नाम क्या है इसका? नाम कुछ भी नहीं है उसका, घर पे बनाए सर। बीस तीन सौ पचास इधर भी है, देखो बाजी हम भी है, 350 हमारी भी आवाज़ है, 350 खाली पठानी, 350 थोड़ा सस्ता भर लो बस्ता, 350 आइए बाजी, रमजान स्पेशल ऑफर चप्पल जूती चंडी 500 ग्राम 300 रुपये, 500 ग्राम 300 रुपये, ओनली 300 स्पेशल ऑफर रमजान ऑफर। आइए बाजी, रमजान स्पेशल ऑफर चप्पल जूती चंडी 500 ग्राम 300 रुपये, ओनली 300 स्पेशल ऑफर रमजान ऑफर। 100 रुपये 100 रुपये और
घर पे आंटी खाला बाजी बुआ कुर्ता पैसा घर पैसा यही सर पे हाँ घर जाने के लिए हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और रात के 12:30 बज रहे थे और रश इतना ज़्यादा था कि मार्केट में मसलने की तक जगह नहीं थी।
और मार्केट जो है रात के 3:30-4 बजे तक खुली रहती। घर जाने के बाद में जो भी पेंडिंग काम थे वो करे और जो भी तैयारी रहती शेखुमे की वो करी। और मैं रात में सोई ही नहीं, दिन में भी नहीं सोई। मैं दोपहर में ईद के दिन 2 बजे कुछ समथिंग सोई हूँ। इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना काबिले बर्दाश्त, बहुत ज़्यादा। मतलब चांद रात पे तो बहुत सारे लोग क्या करते, जगते ही हैं। तैयारियाँ करनी होती और मुझे मेहंदी भी लगवाना था, लेकिन मैं मेहंदी भी नहीं लगा पाई। कोई अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट मिली ही नहीं मेहंदी लगाने के लिए। हमेशा मेरे फ्रेंड्स जो रहते हैं उन लोगों से मैं लगवाती थी। अभी मतलब वहाँ जाना हुआ नहीं, ना उनका यहाँ आना हुआ, तो मेहंदी भी मेरा नहीं हुआ लगाना। मैं नहीं लगाई ईद पर मेहंदी। इंशाल्लाह दूसरे या तीसरे दिन जब सब लोग फुर्सत में हो जाएंगे तो तब मैं लगाऊंगी मेहंदी। और व्लॉगिंग करना, वीडियोस बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत ऐसा मुझे लगता है कि पब्लिक में जाके वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की है आप लोगों के लिए। क्योंकि मेरे व्यूअर्स को मार्केट के व्लॉग्स ज़्यादा पसंद आ रहे, तो मैं मार्केट के व्लॉग्स डाल रही हूँ। और आप लोगों को और भी व्लॉग्स देखना है रमज़ान के बाद भी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वरना हम अपनी कुकिंग की जो फूड व्लॉगिंग है, कुकिंग के जो वीडियोस हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। और वीक में मैं एक व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को ईद मुबारक। अभी अम्मी जो है सेवियाँ तल रहे थे तो मैं वीडियो शूट करने आ गई। मॉर्निंग का वक्त है, 9 बज रहे सुबह के। तो अम्मी के हाथ का शीरखुरमा मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन अम्मी के हाथ का बहुत ज़बरदस्त रहता। और इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ऐसा है कि ईद का मौका है और वीडियो शूट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। लेकिन मैं बाद में आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग को भी आपके अम्मी के हाथ का शेखुमा ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर किसी और का बनाया हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का मौसम तो अजीब ही था, कभी तेज़ धूप रह रही थी, कभी घंटे भर में बारिश भी हो रही थी, पानी के छींटे भी आ रहे थे। समझ ही नहीं आया मुझे, और मैं मेकअप तो करी ही नहीं, मैं तैयार ही नहीं हुई। इतनी थकी हुई हालत थी, मैं सीधा 2 बजे सो के 4 बजे उठी। उसके बाद मैं तैयार हुई, मेकअप करी। क्योंकि जब हम वीडियोस बनाते हैं तो जो काम हम 10 या 5 मिनट में करते हैं, वो काम करने के लिए हमें पूरा 1 घंटा या आधा घंटा लगता है, ताकि सब कुछ परफेक्टली शूट कर सकें, कैमरा वगैरह सब सही तरीके से सेटअप हो और मेरी ऑडियंस को ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे व्लॉग्स देखने में है। तो कोशिश करूँगी मैं वीक में 1 से 2 व्लॉग्स बनाने की, या फिर कहीं जा रही हूँ मैं, या फिर कुछ अच्छा स्पेशल आप लोगों के साथ अगर शेयर करना रहा तो भी मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊँगी। और ये निकाल लिया है हमने हमारा मेकअप का सामान तैयार होने के लिए। तो गाइज ये था चांद रात से लेके ईद तक का व्लॉग, ज़्यादा हमने कुछ भी स्पेशल नहीं किया है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।